एंड वेलकम अगेन दोस्तों, कांतारा अ लीजेंड चैप्टर वन फर्स्ट लुक यानी टीजर आ चुका है इसका। मतलब कांतारा ये वर्ड इतना चर्चे में क्यों है? मतलब इसका कोई यार हिंदी सिनेमा से कोई मतलब भी नहीं है, या फिर हमें ऐसा कोई वर्ड देखने को भी या सुनने को भी नहीं मिला, लेकिन कांतारा यार काफ़ी टाइम से ये वर्ड, इस नाम से एक मूवी भी आई थी, तो ये सब इतना चर्चे में क्यों है? ना इसमें कोई बिग फेस है, ना कोई इसका बिग प्रमोशन है। जैसे बड़ी बड़ी मूवीज़ का प्रमोशन बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है, जैसे एनिमल अभी कर रहा है भाई, कल से एनिमल का प्रमोशन जबरदस्त, मतलब आज प्रमोशन खतरनाक हुआ है, बिग इवेंट हुआ है जो फुल चर्चे में चल रहा था, लेकिन इस मूवी का कोई ऐसा सीन या हमने कोई पहले भी नहीं सुना। देखो एक साल पहले लगभग 30 सितंबर को हमें कांतारा एक बहुत ही अंडर बजट मूवी देखने को मिली थी, जो आई थिंक किसी एक छोटे से रीजन कन्नड़ा रीजन से बिलोंग करती है ये मूवी, कन्नड़ा इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, तो उसी रीजन को शायद फोकस करके इस मूवी को बनाया गया था, लेकिन वो मूवी ग्लोबली इतनी सक्सेस अचीव कर ले कि भाई मुझे नहीं लगता कि उनके प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर ने ऐसा कभी इमेजिन किया होगा, क्योंकि उस मूवी ने 16 करोड़ के बजट में बनने वाली वो मूवी 400 करोड़ का बिजनेस करके गई है, जो भाई साहब टाइगर 3 जैसी मूवी को एक बार के लिए मैं कहूँ ना सर्वाइव करना पड़ रहा है उस 400 करोड़ को अचीव करने के लिए। बड़ी सी बड़ी फिल्मों को 400 करोड़ अचीव करने के लिए बहुत ही लंबा जबरदस्त सर्वाइव करना पड़ता है। आई थिंक मिशन रानीगंज जैसी जिसमें अक्षय कुमार स्टार मेन लीड पर है, वो मूवी शायद 400 करोड़ भी कंप्लीट नहीं कर पाई है। तो भाई कांतारा क्या है क्या नहीं है? सीधी सी बात है भाई साहब, कंटेंट इज द की। इफ योर कंटेंट इज द ब्लॉकबस्टर, योर आउटकम विल रीच ऑटोमेटिक सक्सेस। वही चीज हुआ भाई साहब, पहले ये मूवी लगी, स्टार्ट हुआ स्लो थी ग्रोथ, बिल्कुल मतलब ठीक है, मूवी को और भी लैंग्वेज में रिलीज करा गया, मेनली कन्नड़ा में ही किया गया था, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई बहुत स्लो स्टार्ट हुई, जब वर्ड ऑफ माउथ काम किया है, पब्लिक इज द किंग भाई साहब, जिसको कंटेंट पसंद आया उस बंदे ने, जितने भी थे सब ने पॉजिटिव रिव्यू दिया, उसके बाद जब ये मूवी चली है लॉन्ग लास्ट थिएटर में टिकी है और जबरदस्त, मतलब भाई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखा था। ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए आपको बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, और एक गाँव का एक छोटी सी कम्युनिटी को दिखाना, देन उसको इतना ज़्यादा डिटेल में दिखाना, भाई साहब दैव वाला जो रिलीजन या फिर डिवोशनल कनेक्शन जहाँ पर भी पहुँच जाता है ना, वहाँ फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं, और उन लोगों ने बहुत ही बेटर तरीके उसको दिखाया है। जैसा एक रॉ थिंग्स होती हैं, बिल्कुल जैसी चीज़ें एज इट इज होती है, वही चीज़ उन्होंने पेश करने की कोशिश करी थी, फिल्टर वगैरह कुछ इतना इस्तेमाल नहीं किया गया था, दैट्स वाई की कांतारा को इतनी ज़्यादा हाई सक्सेस मिली थी। जी हाँ, कांतारा अ लीजेंड चैप्टर वन, इसका जो सेकंड पार्ट आ चुका है, चैप्टर वन करके ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, बट ये सिक्वल है कांतारा मूवी का, जो सेकंड पार्ट इसका आज टीजर आ चुका है, और भाई साहब फाड़ के आया है। जो इसमें एक्टर है ऋषभ शेट्टी, में उस बंदे का लिटरली फैन हो गया था, क्या ही जबरदस्त लेवल, मतलब जो आपके गांव वाला जो एक देसी पना होता है वो भाई उसमें कूट कूट के भरा गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टडी करके उस करेक्टर को डिजाइन कराया गया, और उसके बाद जो एक्टर ने उस करेक्टर को निखार के लाया है भाई, टच किया है, बिल्कुल दिल से टच कर गया, दैट्स वाई कि कांतारा को इतना ज़्यादा हाई रेस्पॉन्स मिला था, इतनी ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिली थी। सेकेंड चैप्टर इसका कांतारा अ लीजेंड, बहुत ही जबरदस्त टीजर आ रखा है, मतलब ऋषभ शेट्टी को इसमें दिखाया गया है, और भाई इस बंदे को देख के ही मतलब एक एक्साइटमेंट जनरेट हो गया कि यार कांतारा में जब हमें इतना कुछ मिला है तो इस पार्ट में भी हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। लेकिन उससे भी बाप लेवल का जो दूसरा कैरेक्टर दिखा रखा है, जो बॉस कैरेक्टर मैं कह सकता हूँ, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, इसके पीछे की हिस्ट्री, लेकिन वो कैरेक्टर भाई बहुत फाड़ होने वाला है, मतलब फुल ब्लड वगैरह से खून से लथपथ, और उसके बाद जो रौद्र रूप राउडी लुक वो फाड़ लग रहा है। तो देखते हैं आगे ट्रेलर आएगा, ट्रेलर में और भी ज़्यादा पता लगेगा कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है मूवी में। फिलहाल तो कहानी ऐसा लग नहीं रहा है कि आगे बूस्ट करी जा रही है, लग रहा है कि जो कहानी थी जो बीच में हमने कांतारा में देखा था, कि जो ऋषभ शेट्टी उसके पिताजी वो भी गायब हो चुका था, वो दैव का रूप करके जो कोला डांस जो बहुत ही फेमस है वहाँ पर जो दैव करते हैं, वही चीज़ उसमें दिखाई गई थी। सेकेंड जब ऋषभ शेट्टी उसने जब वही कोला डांस उसमें किया, फिर वो जंगल में जाता है, वहाँ से वो गायब हो जाता है, लेकिन उसके बाद का क्या है वो सीन किसी को कुछ नहीं पता था। तो हो सकता है इस चैप्टर में उस सीन के बारे में यहाँ दिखाया जाएगा, मतलब एक
अनदर वर्ल्ड, अनदर वर्ल्ड पे ये मूवी काम करने वाली है। तो एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। थ्योरीज बहुत सी बनाई जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल यही थ्योरी अभी सेट होते नज़र आ रही है। देखा जाएगा। ट्रेलर के लिए बहुत इंतजार है। आप लोगों को कितना इंतजार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कहना। और अभी तक आपने टीजर नहीं देखा है भाई साहब, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, जाके टीजर देखें। अगर सिनेमा लवर हैं, अगर रियल कॉन्टेंट लवर हैं आप, तब बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।